Hello children, in this video we will get to know how we can access elements of dictionary and how we can traverse elements of dictionary. In dictionaries, the elements are accessed through the keys defined in the key value pair. ओके डिक्शनरीज में अगर आपको एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो आप किसका यूज करोगे, आप कीज का यूज करोगे, राइट कीज, जो कीज आपकी कहाँ डिफाइन होती है, की वैल्यू पेयर में होती है. दैट वी हैव डन अर्लियर, हमने पहले किया था. जो डिक्शनरी के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू, राइट. ओके तो अगर आपको कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप किसको एक्सेस करोगे, किसकी हेल्प से एक्सेस करोगे, आप की हेल्प से उसको एक्सेस करोगे. ओके और इसका सिंटेक्स क्या है, राइट. सिंटेक्स इज डिक्शनरी नेम एंड की, राइट. ओके तो आपको क्या देना है, डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में की. जिस भी की को आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे, जो भी की आप यहाँ पे लिखोगे, आप उसकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी. ओके नाउ हियर वी हैव अ एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है. डी वन इज द डिक्शनरी नेम. ओके डी वन डिक्शनरी का नेम है. यहाँ पे की है इनपुट. ओके और इनपुट की वैल्यू क्या है, कीबोर्ड. देन वी हैव अनदर की आउटपुट. आउटपुट की वैल्यू है प्रिंटर. देन लैंग्वेज की और उसकी वैल्यू है पाइथन. देन ओएस की, उसकी वैल्यू है विंडोज 8. ओके नाउ नेक्स्ट कमांड इज डी वन. डी वन इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम है. ओके एंड स्क्वायर ब्रैकेट में हमने की दी आउटपुट. ओके तो जब आपने आउटपुट की दी तो कौन सी वैल्यू एक्सेस करेगा, ये प्रिंटर को एक्सेस करेगा. तो यू कैन सी इन द रिजल्ट, रिजल्ट इज प्रिंटर. फाइन आपका प्रिंटर आ जाएगा रिजल्ट. ऐसे आप एक और एग्जांपल ले लो, आपने दिया डी वन डिक्शनरी का नाम एंड आपने की को यूज किया लैंग्वेज, राइट. तो ये लैंग्वेज की वैल्यू को एक्सेस करेगा पाइथन, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, पाइथन. ओके तो जो भी आप की के अंदर जो भी आप की यूज करोगे, यू कैन एक्सेस डेट वैल्यू, राइट. तो की हेल्प से आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो. नो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या देखा, आपने देखा जब आप डिक्शनरी का नेम ओके एंड स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी की लेते हो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है. यहाँ पे हमने आउटपुट लिया तो प्रिंटर की वैल्यू आपकी एक्सेस होगी, प्रिंटर आ गया, राइट. बट अगर आपको कंप्लीट डिक्शनरी को प्रिंट कराना है, राइट, तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट राइट द नेम ऑफ द डिक्शनरी. यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपल डिक्शनरी का नेम दे दिया विदाउट एनी स्क्वायर ब्रैकेट, विदाउट पासिंग एनी की वैल्यू. ओके अगर आप सिंपली, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्रिंट फंक्शन के अंदर भी आप पास कर सकते हो डी वन को, जैसे डी वन इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, प्रिंट डी वन, राइट. और आप सिंपली भी इसको प्रॉम्प्ट पे लिख सकते हो डी वन, ओके नेम ऑफ द डिक्शनरी. फाइन तो आपका क्या आ गया, डिक्शनरी, आपकी कंप्लीट डिक्शनरी क्या होगी, डिस्प्ले होगी. ओके तो अगर आपको कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट करानी है तो यू जस्ट हैव टू राइट द नेम ऑफ द डिक्शनरी. फाइन इफ वी अटेम्प्ट टू एक्सेस अ डेटा आइटम विद अ की व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिक्शनरी, वी गेट एन एरर. नो व्हाट डज इट मीन, ये क्या कह रहा है कि अगर आप डिक्शनरी नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो की पास करते हो जो डिक्शनरी में है ही नहीं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल क्रिएट एन एरर. फाइन तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमारी डिक्शनरी है डी वन इज द डिक्शनरी जिसमें आपकी की वैल्यू पेयर्स है इनपुट की बोर्ड, आउटपुट प्रिंटर, लैंग्वेज पाइथन एंड ओ एस विंडोज 8, राइट. आपने क्या किया, डी वन में आपने पास करा दिया कॉन्फ़िगरेशन को. ओके नो कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी. ओके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की प्रेजेंट ही नहीं है डी वन के अंदर, तो क्या है यहाँ पे, फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका एरर आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पे की एरर आया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं, दैट्स व्हाई. ओके तो अगर आप डिक्शनरी में वो की पास करते हो जो डिक्शनरी नेम के साथ आप वो की पास करते हो जो डिक्शनरी में है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट एन एरर. नाउ वी हैव ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी. ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी मीन्स एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी. ट्रेवर्सिंग क्या होता है, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करना और उनकी प्रोसेसिंग करना. प्रोसेसिंग मतलब जो भी आपको उस पर फंक्शन करना है, जो भी ऑपरेशन करना है डिक्शनरी के एलिमेंट्स पे, वो आप करवा सकते हो. प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा दो, कुछ और फंक्शन करना है कुछ और फंक्शन आप करवा सकते हो, राइट. तो फर्स्ट ट्रेवर्सिंग मीन्स वन बाय वन it will access the elements of the dictionary and it will do processing on the element of dictionary, right. This can be done by using for loop.
और ये हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, फॉर लूप की हेल्प से कर सकते हैं, व्हाइल लूप की हेल्प से भी कर सकते हैं, फाइन ओके। नाउ हियर वी हैव फॉर की इन डिक्शनरी, राइट, दिस इज द सिंटेक्स, ये हमारा सिंटेक्स है फॉर की। अब यहाँ पे की क्या है, की इज द वेरिएबल, ओके ओके। वो क्या करेगा, डिक्शनरी में जितने भी कीज है ओके, उनको वन बाय वन एक्सेस करेगा। पहले फर्स्ट की को एक्सेस करेगा, देन आपकी सेकंड की को एक्सेस करेगा, देन थर्ड की को एक्सेस करेगा। तो आपके डिक्शनरी में जितने भी कीज हैं उनको की वेरिएबल एक्सेस करेगा। जैसे आपने पहले लिस्ट में किया था, स्ट्रिंग में किया था, वहां पे क्या होता था, आपका जो वेरिएबल होता था वो इंडेक्स को एक्सेस करता था, राइट, इंडेक्स को वो एक्सेस करता था। तो इंडेक्स की हेल्प से हम इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस कर लेते थे, ओके। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो किसको एक्सेस करेगा, वो डिक्शनरी की कीज को एक्सेस करेगा वन बाय वन, राइट, ओके, प्रोसेस ईच आइटम ऑफ द डिक्शनरी, फाइन। अब जब की को एक्सेस करेंगे तो की हेल्प से हम क्या हमें क्या मिल जाएगा, उस की वैल्यू मिल जाएगी, उस की का आइटम मिल जाएगा। एंड इन फॉर लूप वी कैन प्रोसेस दैट आइटम, और हमें जो भी प्रोसेसिंग करनी है वैल्यूज की वो हम कर सकते हैं। द लूप वेरिएबल की विल बी असाइंड द कीज ऑफ द डिक्शनरी वन बाय वन, विच कैन बी यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ द फॉर लूप, ओके। दैट आई हैव टोल्ड यू कि की क्या करेगा, की वेरिएबल वन बाय वन डिक्शनरी की कीज को एक्सेस करेगा, ओके। और कीज को एक्सेस करेगा, डेट मीन्स वी कैन एक्सेस द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, विद द हेल्प ऑफ कीज, फाइन। अब नाउ वी हैव वन एग्जांपल हियर, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, डी इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, ओके। वन इज द की, वन की है और उसकी वैल्यू क्या है, ओ एनी वन, ओके, स्ट्रिंग वैल्यू। देन टू, और उसकी आपकी वैल्यू है टू, देन थ्री, थ्री, लाइक दिस, ओके। अब आपने क्या किया, फोर लूप का यूज किया, फोर की इन डी, फाइन। तो की इन डी, तो फर्स्ट सबसे पहले की क्या करेगा, वन को एक्सेस करेगा, वन की को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे देखो हमने नेक्स्ट लाइन क्या दी है, नेक्स्ट कमांड किया क्या दी है, प्रिंट की ओके, कॉलन कॉलन डी एंड इन ब्रैकेट्स की। अब देखो यहाँ पे की नेम दिया है, तो यहाँ पे वन प्रिंट हो गया, ओके। फिर आपने डबल कोट्स में कॉलन दिया है, तो आपका कॉलन प्रिंट हो गया, फाइन। फिर आपने क्या दिया है, आपने क्या किया, आइटम को एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ की। तो हमारी की वन का आइटम क्या है, की वन की वैल्यू क्या है, वन, तो आपका वन एक्सेस हो गया, ओके। फिर क्या करेगा, की जो वेरिएबल है टू, टू को एक्सेस करेगा, टू की को एक्सेस करेगा, तो आपका टू यहाँ पे टू आ गया, फाइन, कॉलन आ गया, देन आपका टू, ठीक है, टू, क्योंकि अभी क्या है आपकी कौन सी की है इसके अंदर, टू, तो आपका टू रिटर्न हो, यहाँ पे टू आ गया है, फाइन। ऐसे फिर नेक्स्ट वो किसको एक्सेस करेगा, थ्री को एक्सेस करेगा, ओके। तो प्रिंट कमांड में आपने पहले की दिया है की कॉलन एंड देन डी इन द स्क्वायर ब्रैकेट की, तो अभी आपकी की क्या है, थ्री, तो उसकी वैल्यू आ गई थ्री। देन ऐसे ही आपका देन इट विल एक्सेस फोर एंड देन इट विल एक्सेस फाइव, ओके, एंड यू विल गेट द रिजल्ट लाइक दिस, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप की वेरिएबल विल एक्सेस ऑल द कीज ऑफ द डिक्शनरी वन बाय वन, फाइन। एंड विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरीज वी कैन एक्सेस द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी, ओके। नाउ हियर वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारी डिक्शनरी नेम है डी, ओके। इसमें की है आपका डी वन, देन इसकी वैल्यू है मंडे, डी टू इसकी वैल्यू है ट्यूजडे, डी थ्री वेनसडे, लाइक दिस वी हैव फोर डेज हियर, राइट। फिर हमने क्या किया, फोर लूप बनाया, फोर की क्या है, वेरिएबल का नाम इन डी, फाइन, प्रिंट की कॉलन ओके डी स्क्वायर ब्रैकेट की। तो सबसे पहले की किसको एक्सेस करेगा, डी वन, डे वन को एक्सेस करेगा, ओके। जो की वेरिएबल है उसके अंदर कौन सी की आएगी आपकी, डे वन। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने प्रिंट कराया की आ गई डे वन एंड देन कॉलन, ओके। एंड देन आपने क्या किया है, डिक्शनरी नेम एंड उसमें पास किए की, तो अभी हमारी की क्या है, डे वन है, डे वन की है, तो आपकी कौन सी वैल्यू ये प्रिंट होगी, मंडे, तो आपकी मंडे प्रिंट होगी, राइट। देन ये सेकेंड वैल्यू को एक्सेस करेगा डी टू, फाइन, डी टू। अब नेक्स्ट आपका डी टू प्रिंट हो गया कॉलन, एंड आपका कौन सी इसमें डिक्शनरी में कौन सी की पास हुई है, डी आपकी डिक्शनरी में पास हुई है डे टू, ओके। तो डे टू का की वैल्यू क्या है, ट्यूसडे, आपकी ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगी, ओके। आपको पता, ये मैंने बताया कि कैसे करना है, आइटम एक्सेस करने का सिंटेक्स क्या होता है, डिक्शनरी नेम,
ओके इन स्क्वायर ब्रैकेट की, और जो भी की आप इसके अंदर पास करोगे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फाइन। तो इन दिस वे इट विल एक्सेस ऑल द कीज वन बाय वन, तो हमारे पास सारी कीज वन बाय वन आएगी, उसकी वैल्यू प्रिंट आपने करा दी है यहाँ पे, की एंड देन वैल्यू ऑफ द की, ओके देन की वैल्यू ऑफ द की। सो इन दिस वे यू विल गेट द कीज एज वेल एज द वैल्यूज ऑफ द की, फाइन। एक्सेसिंग कीज एंड वैल्यू साइमल्टेनियसली, अगर आपको डिक्शनरी की कीज एक साथ देखनी है या वैल्यूज एक साथ देखनी है तो आप क्या यूज करोगे? ओके तो हियर वी हैव सम फंक्शंस। सी टू सी ऑल द कीज इन द डिक्शनरी इन वन गो वी कैन राइट डिक्शनरी डॉट कीज फंक्शन, ओके एंड टू सी ऑल द वैल्यूज इन वन गो वी कैन राइट डिक्शनरी डॉट वैल्यूज फंक्शन। अगर आपको सारी कीज एक साथ देखनी है तो आप क्या करोगे? डिक्शनरी डिक्शनरी का नेम डॉट कीज फंक्शन का यूज करोगे। अगर आपको सारी वैल्यूज एक साथ देखनी है डिक्शनरी की तो आप क्या करोगे? डिक्शनरी नेम के साथ कौन सा फंक्शन यूज करोगे? वैल्यूज फंक्शन, फाइन। नाउ हियर वी हैव द एग्जांपल, आपने डिक्शनरी ली है आपकी डी, ओके ये आपकी की वैल्यूज पेयर है, डी डे वन इज द की एंड मंडे इज द वैल्यू, लाइक दिस, ओके। तो अभी हमने क्या, व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं कि जितनी भी इस डिक्शनरी की कीज वैल्यू है, मतलब कीज है, वो सारी एक साथ प्रिंट हो जाए। तो आपने क्या किया, डिक्शनरी का नाम डी डॉट कीज फंक्शन का यूज किया, ओके रिमेंबर दिस डिक्शनरी नेम, अभी हमारी डिक्शनरी का नेम क्या है, डी डॉट कीज फंक्शन। कीज फंक्शन आपने यूज किया तो आपका क्या हुआ, जितनी भी डिक्शनरी में कीज हैं वो सारी एक साथ आ गई हैं, डे वन डे टू डे थ्री डे फोर डे फाइव लाइक दिस, ओके सारी कीज आपकी एक साथ अपियर हो गई, फाइन। फिर आपने क्या किया, डी डिक्शनरी का नाम डॉट वैल्यूज, ओके वैल्यूज का यूज किया है, फाइन। तो आपने वैल्यूज का यूज किया है तो आपकी सारी वैल्यूज एक साथ आ गई हैं, राइट, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, तो आपकी सारी वैल्यूज एक साथ अपियर हो गई, फाइन। तो कीज का जब यूज किया तो सारी कीज एक साथ आ गई, और वैल्यूज फंक्शन को जब आपने यूज किया तो सारी वैल्यूज एक साथ आ गई है, राइट। नाउ अभी जो हमने कीज फंक्शन और वैल्यूज फंक्शंस का यूज करके कीज और वैल्यूज एज अ सिक्वेंस अभी हमें मिले थे, राइट, ओके। द कीज फंक्शन रिटर्न्स ऑल द कीज डिफाइंड इन द डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ सिक्वेंस, एंड ऑल्सो द वैल्यूज फंक्शन रिटर्न ऑल द वैल्यू डिफाइंड इन द डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ सिक्वेंस। एक सिक्वेंस के फॉर्म में हमें कीज वैल्यूज मिल गई, डिक्शनरी की सारी कीज मिल गई, और सिक्वेंस के ही फॉर्म में हमें डिक्शनरी की सारी वैल्यूज मिल गई, ओके। वट इफ वी वॉन्ट दैट दे शुड कम इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट, अगर हम चाहते हैं कि वो किस फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे? We can convert the sequence returned by keys function and values function by using the list function. Okay? तो आप क्या करोगे? List function का use करके जो भी आप आपकी keys value ने जो भी keys function से जो भी आपका sequence मिला है, values function से जो भी आपका sequence मिला है, वो convert हो जाएगा list में. Okay? And how you will do that? इसको अभी हम देखते हैं. देखो ये हमारा dictionary है. Okay? आपने क्या किया? कीज फंक्शन को एनक्लोज कर दिया लिस्ट फंक्शन में, और यू कैन से आपने कीज फंक्शन को पास कर दिया लिस्ट फंक्शन के अंदर, ओके तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे, डी डॉट कीज फंक्शन को एनक्लोज कर दिया या पास कर दिया लिस्ट फंक्शन के अंदर। अब जब आप देखोगे तो आपका ये सिक्वेंस फॉर्म में नहीं आएगा, ये आपका लिस्ट फॉर्म में आया हुआ है, ओके आपको पता है व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिस्ट, लिस्ट क्या होता है, जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सारे आइटम्स होते हैं, एंड ऑल द आइटम्स आर आर सेपरेटेड बाय विद द हेल्प ऑफ कोमा, फाइन। ऐसे ही यहाँ पे आपका लिस्ट में आया, ऐसे ही आपने वैल्यूज का किया, डी डॉट वैल्यूज फंक्शन को आपने वैल्यूज फंक्शन को पास कर दिया लिस्ट फंक्शन के अंदर, ओके और यू कैन से आपने वैल्यूज फंक्शन को एनक्लोज कर दिया लिस्ट फंक्शन से, फाइन। अब देखो यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज आई है किस फॉर्म में आई है, लिस्ट फॉर्म में आई है, ओके सिंपल सिक्वेंस फॉर्म में नहीं है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो अगर आपको सिक्वेंस जो आपका आया है कीज फंक्शन से और वैल्यूज फंक्शन से उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, कीज फंक्शन को और वैल्यूज फंक्शन को लिस्ट फंक्शन के अंदर पास करना है, ओके ओके चिल्ड्रन। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिक्शनरी।